हाई एवरी वन आई गेस इट्स क्लियर टू एवरी वन वाई आई हैव रिटर्न थ्री मंथस और टू ईयर्स बट बिफोर एनी थिंग अ सिंपल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज़ वॉच द कम्पलीट वीडियो अदरवाइज काफ़ी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा सो वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड देन यू विल गेट टू नो द होल पिक्चर नाउ टू डे इज एथ ऑफ फेब एंड इन अप्रॉक्सीमेटली थ्री मंथस टू बी मोर प्रिसाइज इन वन हंड्रेड टेन डेज आप सभी का प्री का एग्जाम है तो अगर आपने इन तीन महीनों को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया देन इट्स वेल एंड गुड बट इफ़ यू फेल टू क्वालिफाई प्रलि ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दैन इट विल टेक एट लीस्ट टू ईयर टू रियलाइज यूर गोल्स प्रोवाइडेड सब कुछ प्लान के हिसाब से जाए तो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री चल रहा है ये आपका मे में प्री है एंड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का रिजल्ट आएगा 2020 आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे देन इन 2024 यू विल अगेन गिव प्रीलिम्स एग्जाम एंड इन 2025 इसका फाइनल रिजल्ट आएगा दैट मीन्स आप मई का चांस अगर से मिस कर देते हो तो आपको एटलीस्ट टू ईर्स और रहना पड़ेगा इस प्रोसेस में और इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द फुल यूज ऑफ दिस थ्री मंथ्स एंड इन दिस थ्री मंथ्स यू हैव टू डू वन एक्सरसाइज वन टास्क डेली फॉर हाफ एन आवर टिल योर प्रलिम्स 2023 ट्वेंटी यहाँ पर मैं डेली पे बहुत एम्फसाइज कर रहा हूँ डेली मीन्स डेली हर दिन आपको वो काम करना है विदाउट फेल देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो लोग प्रल्लम्स बार बार क्लियर करते हैं उनके पास एक एडुकेट नॉलेज बेस होता है हम सभी जानते हैं वी ऑल नो डैट कि लक फैक्टर होता है बट उस लक फैक्टर के रोल के लिए भी आपको हार्डवर्क करना होगा आपका एक मार्क्स दो मार्क्स से प्री रुक जाता है तब आप बोल सकते हो कि आपका लक की वजह से नहीं हुआ बट पंद्रह बीस मार्क्स पच्चीस मार्क्स से आपका एग्ज़ाम रुक रहा है तो वहाँ पे लक फैक्टर नहीं आता वहाँ पे आपके हार्डवर्क की कमी आती वहाँ पे जो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है एग्जाम की उसकी कमी होती है और लक की एक सबसे बेस्ट बात यह है ना कि लक बहुत रैंडम है आपको नहीं पता चलेगा कि आप कब लकी हो गए हो डैट इज़ वाई ऑलवेज कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स और एक बार अच्छे से पढ़िए जम के पढ़िए रज के पढ़िए ताकि जो प्री का फोबिया है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए नाव यू मस्ट बी हैविंग टू क्वेश्चनस पहला ये कि क्या करना है डेली आधे घंटे एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू मेरा क्या रोल रहेगा uh, सबसे पहले हम वर्ट पे फोकस करते हैं कि आपको क्या करना है नाव सी कल नाइन्थ ऑफ फेब है एंड फ्रॉम नाइन्थ ऑफ फेब टू नाइनटीन डैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली सौ दिन के लिए आपको डेली टेन पी वाई क्यूज़ लगाने हैं पर डे लेट मी शो यू वन सिंपल कैलकुलेशन दस पी वाई क्यू लगाओगे आप पर डे डैट मीन कि दस दिन में आप टोटल सौ पी वाई क्यू लगा दोगे इसका मतलब कि एक यू पी एस सी फ्री का पेपर हो गया तीस दिन में तीन सौ एम सी क्यूज लगाओगे और टोटल सौ दिन में एक हज़ार एम सी क्यूज़ डेट मीन्स कि 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर आप इन 100 दिन में कंप्लीट कर सकते हो और यही मेरा टारगेट है कि इन 100 दिन में आप जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हो जो एम लगा रहे हो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा रहे हो आप वो सब एक साइड बट डेली आपको हाफ एन आवर देना है दस क्वेश्चंस के लिए ना यहाँ पे डेली आपका जो आधा घंटा रहेगा उसको कैसे डिवाइड करना है आ, देखो सौ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसके लिए आपको एक सौ बीस मिनट मिलता है इसका मतलब ये हुआ कि दस क्वेश्चन के लिए आपको टोटल बारह मिनट लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान सकते हो कि ये दस क्वेश्चन आप पंद्रह मिनट में करोगे इसके बाद जो बचा हुआ पंद्रह मिनट है उसमें आपको क्या करना है तो जो क्वेश्चन है ना उनके आपको स्मॉल नोट्स प्रिपेयर करने हैं नाओ वी ऑल नो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा बेनिफिशियल होते हैं हमेशा सुपीरियर होते हैं एज कंपेयर टू एनी कोचिंग टेस्ट सीरीज एंड जस्ट इमेजिन कि यह प्रोसेस आप टोटल सौ दिन तक करोगे और 100 दिन के बाद डेट इज़ ऑन नाइनटीन में जब सबको ये लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं रिवाइज़ करने के लिए कौन से बुक पढ़े कौन से नोट्स पढ़ें उस वक्त आपके हाथ में यू प्री का सबसे पावरफुल नोट्स होगा उन सात दिन में रिवाइज़ करने के लिए ये नोट्स आपके कौन से होंगे जो आपने ये शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे प्रीवियस और क्वेश्चन के उन्हीं नोट्स को आपको लास्ट के सात दिन रिवाइज़ करने हैं ट्रस्ट मी यू विल सी द डिफरेंस इन जस्ट वन मंथ एक महीने आप इस प्रैक्टिस को करो आपको खुद अपने प्रिपरेशन में डिफरेंस देखने को मिलेगा आपने अभी तक कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है वो सब चीज़ें एक तरफ हैं बट फ्रॉम टूमारो स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज सो आई थिंक आई एम क्लियर कि आपको क्या करना है क्या टास्क है आपका डेली आपको आधे घंटे देने हैं एम को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जिसमें से आप पंद्रह मिनट क्वेश्चन सॉल्व करोगे बाकी पंद्रह मिनट उन क्वेश्चन के नोट्स प्रिपेयर करोगे देखो यहाँ पे आइडियली एडवाइस कि आप ये एक्सरसाइज सुबह करो मॉर्निंग में करो इसके पीछे रीज़न दो हैं द फर्स्ट वन कि सुबह उठने के बाद हमारा माइंड फ्रेश रहता है और जनरली कई बार ऐसा होता है कि टाइम टेबल हमारे पास कुछ नहीं होता है तो आप उठने के साथ साथ दस क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे प्लस उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करोगे आपको दिन के लिए एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा और जो दूसरा रीज़न है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे बट काफ़ी लोग नाइट आउल हैं रात में जगते हैं और सुबह सोते हैं वो क्या कर सकते हैं रात में डिनर के बाद टाइम फिक्स कर सकते हैं अपना आधा घंटा कोई भी ये जो एम प्रैक्टिस करने वाला काम है उसको कर सकते हो सो डिपेंडिंग अपॉन योर कम्फर्ट आपको सुबह करना है या फिर शाम को करना है बट इन माई ओपिनियन इफ़ पॉसिबल ये टास्क आप मॉर्निंग में करो नाओ वॉट का आंसर तो मैंने दे दिया कि आपको क्या करना है दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हाउ हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू मेरा रोल क्या होगा तो देखो आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा वो सिर्फ यूपीएससी पी एस सी क्वेश्चन के लिए डेडिकेटेड होगा एंड उसका नाम है एम पाठशाला ये चैनल मैंने क्रिएट कर दिया है बट ये अभी ऑफलाइन है कल ही ऑनलाइन होगा आपको इस चैनल का लिंक मेरा जो मेन चैनल है आई एस पी पाठशाला उस पर मिल जाएगा शाम को मैं इस लिंक को पोस्ट कर दूंगा तो आप जो मेरा मेन चैनल है आई एस पी पाठशाला उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाय चांस उसका लिंक काम नहीं करता तो आप टेलीग्राम पर जाके एट द रेट आई एस पी सी एस पाठशाला सर्च करोगे आपको मिल जाएगा नाइन्टी वन थाउजेंड प्लस सब्सक्राइबर्स हैं वही होगा क्योंकि बहुत से फेक चैनल भी स्टार्ट हो गए हैं तो जो ये एम सी क्यू पाठशाला चैनल रहेगा इस पर मैं डेली टेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू पी एस सी के पी वाई क्यूज पोस्ट करूँगा विथ एक्सप्लेनेशन उनके एक्सप्लेनेशन के साथ मैं डेली टेन एम सी क्यूज पोस्ट करूँगा मैंने ऑलरेडी चैनल क्रिएट कर दिया है लेट मी शो यू दिस इज द चैनल और आप क्वेश्चन देख सकते हो यू कैन सी ईयर टोटल टेन क्वेश्चन हैं एंड सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्म में है एंड आफ्टर दैट लास्ट में आपको नोट्स मिलेंगे यू कैन सी हयर जितने भी दस क्वेश्चन हैं ना सबके शॉर्ट नोट्स मिलेंगे प्लस कुछ वैल्यू एडिशन रहेगा तो उसको मैं यहाँ मैंशन कर दूंगा तो जो आप नोट्स प्रिपेयर करोगे इन एक्सप्लेनेशन में से प्रिपेयर करना ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने वहाँ पे दिया है आप उनका नोट्स खुद से प्रिपेयर करोगे सबसे पहले आप लूज ए फोर शीट्स ले लेना और सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लेना क्योंकि हर दिन डिफरेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन पोस्ट होंगे फॉर एग्जांपल कल थर्सडे है तो कल पॉलिटी का पोस्ट होगा उसके बाद एनवायरमेंट फिर इकॉानमी देन संडे को मॉडर्न हिस्ट्री मंडे को एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर ट्यूसडे को साइंस एंड टेक वेनसडे को जोग्राफी तो डैट मीन्स कि सेवन डेज में आपका सेवन सब्जेक्ट के एम कंप्लीट होंगे एंड डेली आपको ये चीज़ करना है जो भी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन होंगे उनके आपको खुद के अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं और नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं कैसे कीवर्ड्स लिखने हैं लेट मी शो यू तो आपको जो नोट्स प्रिपेयर करने हैं कुछ इस तरह प्रिपेयर करने हैं आप इसी तरह एक ए फोर शीट ले लेना और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आप डे लिखना है डे लिखना मत भूलना आप बाकी आप ए फोर शीट अलग अलग सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको वर्ड टू वर्ड मत लिखना सिर्फ जो की वर्ड्स हैं की पॉइंट्स हैं उनको लिखना फॉर एक्जाम्पल वॉट इज प्रियम्बल इट रिफ्लेक्ट द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इट रिप्रेजेंट द फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन तो ये नोट्स मैंने एग्जाम्पल के लिए प्रिपेयर किए हैं एंड इसी तरह आप हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोट्स प्रिपेयर करना फाइनली आफ्टर हंड्रेड डेज आपके पास वन थाउजेंड एम सी क्यूज के नोट्स होंगे एंड डेट टू कोई भी रैंडम क्वेश्चन नहीं होंगे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नोट्स होंगे आपके पास जो ये दस पी वाई क्यूज रहेंगे मैं इनको रात में पोस्ट कर दूंगा आप सभी अपना टाइम देख के बट आई वुड सजेस्ट कि एक पर्टिकुलर टाइम बना लेना आप ऐसा नहीं कि किसी भी वक्त आप उठा के सॉल्व करने लगो देखो ऐसा करोगे तो जो ये पर्पस है ना आधे घंटे के टास्क का वो फुलफिल नहीं होगा जब तक कोई भी चीज़ आप डिसिप्लिन से नहीं करते हो तब तक उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है और देखने में ऐसा लगता है कि दस क्वेश्चन ही है बट ग्रेजुअली आप सौ दिन तक करोगे तो आप दस साल के प्रीवियसर क्वेश्चन पेपर पूरे सॉल्व कर लोगे विथ एक्सप्लेनेशन बिकॉज आई नो कि नाइन्टी परसेंट ऑफ दी जनता अभी तक प्रीवियसर क्वेश्चन सोल्व नहीं की होगी इवन आई नो समाई फ्रेंड्स जो दो तीन अटैम्प्ट दे चुके हैं बट फिर भी प्रीवियस सर पेपर्स अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं वो एंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई नो दैल्यू आई नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रीवियसर क्वेश्चन एक दिन बैठ के आप पूरा प्रीवियस सर पेपर सॉल्व कर लोगे सौ क्वेश्चन एक बार में कर दोगे बट उसके नोट्स आप प्रिपेयर नहीं करोगे और यहाँ जो मेन चीज़ है वो ये नोट्स प्रिपेयर करने वाली ही बात है क्वेश्चन तो आप सॉल्व वैसे भी कर लेते हो बट नोट्स कोई नहीं प्रिपेयर करता है और नोट्स प्रिपेयर करता भी है तब भी वो बहुत ही हैफेज़ाब मैनर में दैट इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड दिस ताकि आपके पास सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के खुद के नोट्स हो जाएँ जो आपने खुद प्रिपेयर किए हैं तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड रात में नौ दस बजे तक एम सी क्यू पाठशाला ऑनलाइन हो जाएगा आप उस चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स पॉलिटी स्टार्ट करते हैं बाकी क्विज करने से फ़ायदा ये भी होता है कि आप देख सकोगे कि बाकी लोग कितना गलत कर रहे हैं आपका कितना सही हो रहा है वो जो एक तैयारी साइलोज में करते हो ना आप वो चीज़ आप मिनिमाइज़ कर सकते हो तो चलिए कल मिलते हैं लेट्स कम ऑन बोर्ड